मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने मिलावटखोरों और भूमाफियाओं पर सख्त कार्रवाई करने के लिए पुलिस प्रशासन को फ्री हैंड कर दिया है, जिसके चलते पुलिस द्वारा सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा और भोले भाले लोगों के साथ धोखाधड़ी करने वाले भूमाफियाओं पर शिकंजा कसा जा रहा है। इसी कड़ी में बड़वानी पुलिस ने ऐसे दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने कृषि भूमि बताकर प्लॉट काटकर न सिर्फ लोगों से धोखा किया बल्कि शासन को भी लाखों रुपए के राजस्व का चूना लगाया है। पुलिस ने भू माफियाओं के खिलाफ की कार्रवाई। पुलिस ने शातिर धोखेबाजों को किया गिरफ्तार। कृषि भूमि की जमीन पर प्लॉट काटकर बेचा था, शासन को लगाया लाखों रुपए के राजस्व का चूना। जी हाँ, प्रदेश की शिवराज सरकार भू माफियाओं के खिलाफ एक के बाद एक कड़ी कार्रवाई कर रही है, लेकिन इसके बाद भी बेखौफ बदमाशों में कोई खौफ नजर नहीं आ रहा है। ऐसा ही एक मामला बड़वानी में सामने आया है, जहां दो दोस्तों ने मिलकर न सिर्फ कृषि भूमि पर 26 से ज़्यादा लोगों को प्लॉट काट कर बेच दिया बल्कि शासन को भी लाखों रुपए के राजस्व का नुकसान पहुँचाया है। दरअसल ग्राम पंचायत बड़गांव के सचिव जगदीश पाटीदार ने एक लिखित में राजस्व विभाग को शिकायत दर्ज कराई थी, जिसकी जांच में पाया गया कि ग्राम पंचायत बड़गांव के अंतर्गत बंधान रोड नहर के पास कॉलोनाइजर अब्बास अली व उसका साथी अंकित शर्मा द्वारा अवैध रूप से कॉलोनी का निर्माण कराया गया है, जिसमें दोनों आरोपियों ने कृषि भूमि को भूखंड बताकर शासन से बिना अनुमति लिए करीबन 26 लोगों को छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में रजिस्ट्रियां करवा दी थी। इस दौरान आरोपियों ने न सिर्फ लोगों से धोखा किया बल्कि स्टाम्प ड्यूटी बचाकर प्रदेश सरकार को लाखों रुपए के राजस्व का चूना लगाया। बड़वानी थाना प्रभारी राजेश यादव ने बताया कि विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर धोखाधड़ी करने वाले दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। बड़वानी सर के द्वारा एक लिखित जांच प्रतिवेदन थाने पर प्रस्तुत किया गया था, उसमें ये चीज़ थी कि जो अब्बास अली बोरा निवासी बड़वानी और उनका एक साथी जो अंकित शर्मा है, इनने मिलकर जो है कुछ कृषि भूमि थी, कृषि भूमि को जो है प्लाट के रूप में पूरा एक डिवाइड करके उसको कॉलोनी बताकर जो है प्लाट कई लोगों को बेचे, ऐसा 26 लोगों को बेचे, और कृषि भूमि के रूप में प्लाट बता के उसको बेचना एक तरह से शुद्ध धोखाधड़ी और शासन की जो स्टाम्प ड्यूटी की भी इनने क्षति करी है और कॉलोनाइजर एक्ट का भी उल्लंघन है, उसके तारतम्य उसी के तारतम्य में इनके खिलाफ जो है 400 धारा 420 467 471 IPC और मध्य प्रदेश ग्राम स्वराज अधिनियम धारा 61D के तहत अपराध पंजीबद्ध हुआ है। और ये शुद्ध रूप से एक तरह से धोखाधड़ी है, अवैध कॉलोनी निर्माण का मामला है जो पूरा गलत है। सर, और भी कई मामले हैं जांच में? अभी तो यही मामला है और इस मामले में जो दोनों आरोपी है वो अभी पुलिस कस्टडी में है, इनसे पूछताछ की जा रही है। फिलहाल पुलिस अब्बास अली व अंकित शर्मा से सख्ती से पूछताछ करने में जुट गई है, जिससे अन्य लोगों के नाम भी सामने आने की संभावना जताई जा रही है। वहीं पुलिस प्रशासन की इस कार्रवाई से अन्य भूमाफियाओं में हड़कंप देखा जा रहा है। बड़वानी से रजनीश हेनेचा की रिपोर्ट।